हाई एवरी वन वेलकम टू जे केमिस्ट्री सो गाइज टेस्ट सीरीज़ आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है मैं हमेशा ही अपनी वीडियोज़ में आपको बहुत मोटिवेट करती हूँ टेस्ट देने के लिए एंड आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस सजेशन को बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं और टेस्ट देने का ट्राई भी करते हैं लेकिन होता क्या है कि जब भी टेस्ट देना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली टेस्ट तो आप दे देंगे उसके बाद मार्क्स भी आएंगे है ना अब जैसे ही आपने टेस्ट के मार्क्स देखे ऑब्वियसली मार्क्स कम आते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि मार्क्स कम आते हैं और ये सबके साथ होता है बस आप इस चीज़ को मान के चलो कि मार्क्स सभी के कम आते हैं जो इस टाइम पे रैंक वन लाने वाले ना किसी भी एग्जाम में उसके मार्क्स कम आ रहे होंगे वो भी परेशानी होगा इस टाइम पर पक्की बात है ठीक है तो यह मेन पॉइंट ये है कि जब मार्क्स कम आते हैं ना चलो ठीक है सबके आ रहे हैं कोई बात नहीं लेकिन डीमोटिवेशन भी तो आ रही है साथ में हम खुद को इतना मोटिवेट करते हैं कि बस अभी कोई बात नहीं मार्क्स कम आ गए कोई बात नहीं हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को नेक्स्ट चैप्टर का टेस्ट फिर से देंगे नेक्स्ट में सपोज उससे भी कम आ गए नेक्स्ट टाइम अच्छे से रिवाइज़ किया फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करें एक दो मल्टीपल रिविजन्स के बाद भी एक दो बार रिवाइज करने के बाद भी जब आप आ, टेस्ट देते हैं तो मार्क्स फिर से कम आ गए तो ऐसे वाले केस में फिर एक पॉइंट आता है जहां पर आप सोच लेते हैं कि नहीं दे रहा मैं टेस्ट इससे बेटर है चैप्टर को रिवाइज़ कर लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने हैं और उसके बाद जो टेस्ट है ना क्योंकि अभी देखो कोर्स तो बाय कर लिया किसी प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली है ना अब पैसे वेस्ट तो नहीं करने हैं तो एक काम करते हैं खुद को सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए कि जो क्वेश्चन है उनको सिर्फ देख लेंगे और साथ में सोल्यूशन नोट डाउन कर लेंगे है ना तो ऐसे वाले केस में आप गलती कर रहे हैं क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन देख के उनको नोट करके मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर करते हैं पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर चार ऑप्शन लिखेंगे फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो ऐसे केस में अगर आपने कोई टेस्ट दिया है लेटर से आपने ट्वेंटी क्वेश्चन का भी कोई टेस्ट अगर दिया है आपने अगर ऐसे उसको लिखना शुरू किया ना तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा ट्वेंटी क्वेश्चन के टेस्ट के लिए अगर लटर से फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट है सिक्सटी मिनट्स मैक्सिमम है कि अगर हम एक क्वेश्चन को तीन मिनट भी दे रहे हैं तो तो जो टेस्ट आपका 60 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए था उसके बाद वन आवर आपका एनालिसिस वाला पार्ट हो गया उसके बाद आपको वापस से टॉपिक्स देखने हैं जो आपके वीक रह गए तो तीन घंटे में खत्म हो जाना चाहिए था उसमें आप बहुत सारे टाइम लगा देंगे और ज्यादा टाइम लगाने के बाद भी आपने वो क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं है ना आप उसको काइंड kind ऑफ of याद कर रहे हैं कि अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो मैं लगा दूंगा बट जो मिस्टेक्स आप करने वाले थे उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में वो तो आपने की ही नहीं अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में आता है तो वह आप वही मिस्टेक करेंगे तो फायदा तो वो है ना टेस्ट लेने का तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स जो सिर्फ वीडियो सोल्यूशन देखते हैं टेस्ट का ये मैं अपनी बात कर रही करी कि क्योंकि जेके मिस्ट्री के कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज में सोल्यूशन भी साथ में मिलते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ टेस्ट को प्ले करते हैं वीडियो चली रही है साथ साथ नोट डाउन करना शुरू कर दिया तो ये चीज़ें सही नहीं है ठीक है मैं समझ रही हूँ आपके मार्क्स कम आते हैं आप डीमोटिवेट हो जाते हैं लेकिन फिर भी आपको ये नहीं कहता है ठीक है आप सिर्फ इतना सोचो कि मार्क्स जितने मर्जी आए हमारे फाइनल एग्जाम है नहीं है तो फाइनल मार्क्स भी नहीं है ठीक है तो हमें ना टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं क्योंकि हमें यह देखना है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत बार इसको पढ़ने के बाद भी सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद हमने टेस्ट दिया है तो मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो हम कर रहे हैं हमें वो वाली मिस्टेक रिपीट नहीं करनी तो ये है हमारा मेन मोटिव किसी भी टेस्ट को देने का ठीक है तो आप एक काम करेंगे आप जो टेस्ट दे रहे हैं ना मार्क्स कितने भी आए फर्क नहीं पड़ता आपको हर एक टेस्ट के जो क्वेश्चन है उनको तीन पार्ट में डिवाइड करना है मैंने यहाँ पे करके रखा है देखो किसी भी टेस्ट में कितने भी क्वेश्चंस हो आपके क्वेश्चंस इन तीन कैटेगरीज में से ही किसी में फॉल करने वाले हैं ठीक है तो हमें लगता है एज अ स्टूडेंट कि ये वाले कैटेगरी जो है ना जो मुझसे अटैम्प्ट नहीं हुए क्वेश्चन वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेट से टेन क्वेश्चन का टेस्ट था और मुझसे सिक्स क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं हुए तो आज का पूरा दिन ना इसी दुख में जाएगा कि छह क्वेश्चन नहीं हुए मुझसे और मेरा फेवरेट चैप्टर था है ना और चार मुझसे हो गए या फिर लट से दो मुझसे हुए थे दो गलत हो गए छह मुझसे हुए नहीं तो माई टेंशन ये वाली है जबकि मैं आपको ये बोल रही हूं आपको टेंशन इस चीज की होनी चाहिए कि आपने जो अटैम्प्ट किए थे वो इनकरेक्ट क्यों हुए चलो ठीक है छ क्वेश्चन आपको नहीं आते थे कोई बात नहीं लेकिन चार में से दो आपको आते थे बाकी दो भी तो आते थे जो गलत हो गए वो गलत क्यों हुए तो आपको इनकी ज्यादा टेंशन लेनी है ठीक है जो आपने इनकरेक्टली किए हैं तो एक काम करते हैं स्टार्टिंग से वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि कोई भी टेस्ट हो उसके क्वेश्चन को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लो अपने आप ही हो जाएंगे आपको करने की नीड नहीं है सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चन जो आपने करेक्टली अटैम्प्ट किए हैं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई आपको फुल मार्क्स मिले हैं ठीक है ठीके? ऐसे वाले क्वेश्चन पर ना आपको सिर्फ एक चीज देखनी है आपको लगता है मैंने सही से अटैम्प्ट किया तो इसको ना नोट करने की नीड नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट देंगे उसके बाद सारे क्वेश्चन को अपने नोट्स की फॉर्म में लिखेंगे नोटबुक पर नहीं करना है आपको ये आपको अपनी मिस्टेक्स जाननी इसलिए आप टेस्ट दे रहे हैं ठीक है तो जो क्वेश्चन आपने सही से अटेम्प्ट किए हैं इसका मतलब यह है कि जितनी आपकी नॉलेज थी उस टेस्ट से पहले यानी कि आपने अपने नोट्स पढ़े होंगे उनको रिवाइज किया होगा आपने प्रीवियस अगर क्वेश्चन लगाएंगे असाइनमेंट सॉल्व किए होंगे है ना तो ये करने के बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो इस वाले कॉन्सेप्ट से जब नई बार क्वेश्चन आएगा तो आप उसको भी कर लेंगे तो इसको नोट डाउन करके टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल नीड नहीं है यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये क्वेश्चन आपने करेक्टली अटैम्प्ट किए हैं इनका टाइम मॉनिटर करना है कई बार क्या होता है हम कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं वो सही हो जाता है लेकिन मान लो एक क्वेश्चन सही हो गया लेकिन पंद्रह मिनट लग गए सोल्व करने में या फिर दस मिनट लग गए तो ऐसे वाले केस में ना आप जो करेक्टली अटैम्प्ट आपने किया है उसको ध्यान रखो कि ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें से बहुत टाइम ले लिया है ना तो ऐसे क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है ताकि जब आप एग्जाम में जाएंगे ना जब सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा आपको समझ में आएगा कि ये वाला क्वेश्चन ना मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया था और मेरा बहुत टाइम लग गया था मतलब ये बहुत टाइम खाने वाला है अब क्या कर सकते हैं दो काम कर सकते हैं या तो इस क्वेश्चन को थोड़े कम टाइम में सॉल्व करने का कोई मेथड निकाल लो अगर आपको लग रहा है कि नहीं निकल सकता इतना ही प्रोसीजर है करना ही पड़ेगा तो फिर एग्जाम में जैसे ही आपको दिखा उसको मार्क फॉर रिव्यू करो ठीक है उसको डायरेक्टली अटैम्प्ट करना स्टार्ट नहीं करना मार्क फॉर रिव्यू करो पहले जो आते हैं जो कम टाइम ले उनको सॉल्व करो उसके बाद आना उस क्वेश्चन पे ठीक है जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर की वहां पर जो अपना डेंसिटी वाला फार्मूला है फॉर्मूला बहुत सिंपल है क्वेश्चन भी सिंपल आता है लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है ठीक है या फिर अगर हम बात करते हैं लेट्स से फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का ये वाला फॉर्मूला है वन बाई टू बाई सी के बाई मी ये वाला जो फॉर्मूला है आपको पता है यहाँ पर क्या अगर यहाँ पे अगर फोर्स कांस्टेंट पूछ लिया या फ्रीक्वेंसी पूछ ली या फिर अगर रिड्यूस मास पूछ लिया तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी होने वाली है समझ रहे हैं रिड्यूस मास को निकालने के लिए भी कैलकुलेशन दी है तो आपको पता है कि ऐसे वाले फॉर्मूले आप सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन टाइम ज्यादा लेते हैं तो ये क्वेश्चन वो है जो आप टेस्ट में देखे खुद को जज कर रहे हो कि ठीक है इसमें मेरा बहुत टाइम जाता है तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू ही करना है पहले जो आते हैं जो कम टाइम ले रहे हैं पहले वो करेंगे लास्ट में आएंगे इसके ऊपर ठीक है तो ये वाला पार्ट है आपका उन क्वेश्चंस के लिए जो आपने करेक्टली अटेम्प्ट किया लेकिन उनका टाइम आपने मॉनिटर करना है टेस्ट के बाद ठीक है तो ये एनालिसिस वाला पार्ट मैं आपको बता रही हूँ अब आते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन पे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे वाले क्वेश्चन जो आपने अटैम्प्ट किए लेकिन वो इनकरेक्ट हुए आपको नेगेटिव मार्किंग मिली यहाँ पर ठीक है तो इन क्वेश्चन से ज़्यादा टेंशन आपको इन वाले क्वेश्चन की लेनी है जो आपने अटैम्प्ट किए लेकिन गलत हो गए ऐसे वाले केसेस में आपको कॉन्सेप्ट को मॉनिटर करना है जैसे मान लो देखो होगा क्या अगर आपने क्वेश्चन देखा है ना आप उसको अटैम्प्ट कब करेंगे आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा पहले है ना आपको आता है वो कॉन्सेप्ट अब आपने ट्राई किया आपने अटैम्प्ट कर लिया गलत क्यों हुआ क्योंकि या तो वो टॉपिक आपको पूरा अच्छे से नहीं आता था है ना आपने सिर्फ आइडिया लगाया कि ऐसे ऐसे कुछ पढ़ा था शायद ये होना चाहिए या फिर जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा था वो पूरी तरह से नहीं सीखा उसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स रह गए जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ है तो ऐसे वाले केस में ना आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है जिस भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है उसको जाके पूरा पढ़ो अच्छे से एकदम कि आपने क्या सोचा था क्या सोच के अप्लाई किया था और कैसे आंसर आया गलत कैसे हो गया ठीक है तो आपको इसको अच्छे से मॉनिटर करना है ऐसे वाले क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते हैं जो गलत हो जाते हैं एक्चुअल में यही आपकी रैंक को पीछे लेके जाते हैं क्या होता है एग्जाम में लेट्स से नेट की बात करते हैं 200 मार्क्स का पेपर है लेट्स से आपने 145 मार्क्स का अटेम्प्ट किया तो अगर सारे सही हो जाएँ तो रैंक वन ही आ रही है समझ रहे हैं लेकिन ऐसा होगा नहीं आपने 145 का अटैम्प्ट किया है मार्क्स तो कम आएंगे आएंगे कितने एलर्ट से 120 ट्वेंटी आए अगर 145 से नेगेटिव हो के कट होके वन ट्वेंटी भी आए आप अच्छी पोजीशन पे जे आर अच्छे से आ रहा है अच्छी रैंक के साथ आ रहे हैं लेकिन अगर वो कट होकर 90 पे पहुंच गए फिर रिस्क पे आगे शायद एल भी ना हो कई बार स्टूडेंट्स इतना अटैम्प्ट करते हैं मार्क्स फिर भी उनके सेवेंटी सेवेंटी फाइव खाते हैं क्यों क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट में या तो कुछ ना कुछ दिक्कत थी या तो चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ पढ़ा तो मिस्टेक्स है ना आपकी वो ये वाली क्वेश्चन में हो रही है ठीक है तो आपका मेन फोकस इन्हीं पे होना चाहिए क्योंकि देखो जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए उन्होंने आपका टाइम भी नहीं वेस्ट करवाया आपने क्वेश्चन को देखा आपसे नहीं छोड़ दिया ठीक है आपने फिर से देखा पता टॉप नहीं पढ़ाई वाला

ठीक है आपने कहा नोट डाउन करके टाइम वेस्ट होता है हम नहीं करेंगे बट ये वाले तो हमें नोट करने पड़ेंगे नहीं करने आपको नोट ये भी नहीं करने आप सिर्फ वही वाला क्वेश्चन क्वेश्चन तो लिखना ही नहीं है यहाँ पर आपने अटैम्प्ट किया मतलब कॉन्सेप्ट आता था ना आपके नोट्स में था ना तो जो भी नई चीज़ आपने इस क्वेश्चन में सीखी है उसको जाके उसी जा, जो जो नोटबुक है ना आपकी टॉपिक होगा उसके अंदर उसी में जाके कहीं लिख लो ऊपर लिख लो जैसे सपोज आपकी नोटबुक है ये मान लेते हैं ये आपकी नोटबुक है, ठीक है कुछ ऐसी होती है ऐसी होती है यहाँ पर आप लिख रहे होते हैं ठीक है कोई भी आपका टॉपिक यहाँ पर है अब जो टॉपिक आपको गलत हुआ ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है इस वाले उसमें है ठीक है ये वाला स्पेस ऊपर पूरा फ्री है ये वाला स्पेस भी फ्री है तो जो आपने नई चीज़ सीखी है ना इस वाले कॉन्सेप्ट की उसको यहाँ पे लिख लो छोटी हैंड राइटिंग में लिखो क्योंकि आप ही को रिवाइज करना है सिर्फ ठीक है उसको यहाँ पे नोट डाउन करके खत्म करो ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो आपको ये वाली चीज़ भी पढ़नी है ऊपर बहुत स्पेस होता है यार बहुत स्पेस है ठीक है आपको अलग से पेज लेके दो तीन पेन लेके नहीं लिखना होता कॉन्सेप्ट गलत है उस पर फोकस करो जहाँ पे स्पेस मिल रहा है इस टॉपिक के आसपास उस नए वाले पॉइंट को पे मैंशन कर दो ऐसे आपको सारे कॉन्सेप्ट के साथ करना है जो आपके ये अटेम्प्ट होने के बाद इनकरेक्ट हुए ठीक है सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट करना है ऑप्शन या क्वेश्चन नहीं नोट करना ठीक है अब आते हैं यहाँ पर इनको देख के आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है देखो दो चीज़ हो सकती हैं या तो ये होगा अगर जो मेरे को पहला वाला किस्त आया था कि टेन क्वेश्चन में से आपसे छः अटेम्प्ट नहीं हुए दो गलत हो गए दो सही हुए इसका ये मतलब है कि अगर आप 50 परसेंट से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे मतलब क्या या तो वो पूरा टेस्ट ही इरेलीवेंट बने उसमें वैसे क्वेश्चंस हैं ही नहीं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फिर तो आपकी गलती नहीं है उठा के टेस्ट को फेंको काम का नहीं है वो ठीक है अगर ऐसा नहीं है आपको लग रहा है कि मैंने ही ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी फिर आपकी है समझ रहे हैं तो फिर आपको यह देखना है कि अगर किसी टेस्ट में वो रेलिवेंट टेस्ट बना हुआ है आप टेन में से सिर्फ फोर क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाए दो गलत हो गए छह अटैम्प्ट नहीं हुए मतलब आपका वो चैप्टर ही वीक है आपने टेस्ट देके सिर्फ टाइम वेस्ट किया अपना मूड सिर्फ खराब किया है आपको वो चैप्टर पढ़ने की नीड है ठीक है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे इतने सारे रेलिवेंट क्वेश्चन अगर आप अटैम्प नहीं कर पा रहे मतलब चैप्टर वीक है जाके चैप्टर पढ़ो पहले उसके बाद टेस्ट देना ठीक है तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होता है आपको दो तीन चीजें देखनी है क्या ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं मतलब रेलिवेंट है या फिर नहीं ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते भी या नहीं अगर नहीं आते फिर तो ठीक है आपका फॉल्ट नहीं है आप सही जा रहे हैं ठीक है फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है अगर आपको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आते तो हैं ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में इसका मतलब ये हो गया कि आपको नहीं आता वो कॉन्सेप्ट ठीक है तो आपको जाके पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है अगर आपको लग रहा है कि मैंने मेरे पूरे नोट्स पढ़े हुए हैं उसमें नहीं है ये अब हो गया कि कोई नया टॉपिक है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है बट आपके नोट्स में नहीं है इसको आपको नोट डाउन करना है जो कॉन्सेप्ट आप उस क्वेश्चन में सीखेंगे उसको अलग से नोट डाउन करिए क्योंकि आपके नोट्स में नहीं है कहीं भी नोट डाउन करने की नीड नहीं है मतलब ऐसे आप कोई ऊपर चैनल ले सकते उसको अलग से आपके नोट्स खत्म हो रहे हैं उसके पीछे एक पेज पीछ, इंसर्ट कर दो कैसे भी करके वहां जाके लिखना है आपको कि मैंने इस वाले चैप्टर में ये नई चीज़ पढ़ी है ठीक है उसको नोट डाउन करो फिर रिवाइज करना उस चीज से रिलेटेड आपको लग रहा है कि ठीक है ये मैंने देख लिया इसका कॉन्सेप्ट हो गया है यहाँ पे क्वेश्चन चाहो तो लिख सकते हो कि ठीक है ये कॉन्सेप्ट था इसके ऊपर ये क्वेश्चन था ऑप्शन लिखने की नीड अभी भी नहीं है कॉन्सेप्ट लिखा क्वेश्चन लिखा सॉल्व किया खत्म हो गया काम ठीक है तो ऐसे वाले केस में ये कर सकते हैं आपको लग रहा है क्वेश्चन इरेलीवेंट है नहीं पूछते एग्जाम में छोड़ दो उसको वहीं टेस्ट सीरीज में आया कोई बात नहीं छोड़ दो उसको वहीं पर और आगे चलो अपना ठीक है तो ऐसे करके आपको ये तीनों कैटेगरीज के तो जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से मतलब मॉनिटर करना है अगर सही हुआ है टाइम का ध्यान देना है कि टाइम कितना ले लिया अगर गलत हो गया कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कहाँ लिखेंगे जो टॉपिक आपके पास ऑलरेडी है जो आपको आता है उसी के ऊपर नीचे कहीं पे लिख दो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना ठीक है ऐसे वाले क्वेश्चन जो अटैम्प्ट नहीं कर पाए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है अगर रेलिवेंट है तो उसको अलग से लिख लो अगर टॉपिक नया है तो अगर आपने नहीं पढ़ाओ या कि नोट्स में पढ़ो अच्छे से फिर अटैम्प्ट करने का ट्राई करो ठीक है तो जो ये लिखने वाला काम है ना इससे बचना है आपको बहुत टाइम खा जाएगा आपका लास्ट टाइम पे आपको टाइम सेव करना होता है तो जितना टाइम बचेगा उसको रिवाइज करने में काम पे लगाएंगे ना उनको कौन को बार बार देखने में टाइम पे लगाएंगे लिखने में क्यों लगाना है ठीक है आपका ये तो है नहीं कि फाइनल एग्जाम है फिर से यहीं से पूछेंगे क्वेश्चन नहीं है टेस्ट सीरीज सिर्फ ठीक है तो इन पॉइंट्स को आपको माइंड में लेके कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करना है मार्क्स जितने भी आएंगे कोई बात नहीं जो हम सीख रहे हैं ना डेली बेसिस पे वो इंपॉर्टेंट है और वहीं से आपकी रैंक इंप्रूव होगी वहीं से आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे ठीक है सो so, इस वाली वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही मोटिव था कि जो भी स्टूडेंट्स अभी डीमोटिवेट हो रहे हैं मार्क्स कमाने की वजह से आप प्लीज़ टेंशन मत लो हो जाएगा मैं बता रही हूँ ऐसा सबके साथ होता है सबको ये प्रॉब्लम्स आती हैं समझ रहे हैं और वैसे भी नेट की बात कर रहे हैं ना अभी तो नेट में तो अगर नेट की बात कर रहे हैं अगर हम कर रहे हैं तो उस वाले केस में नेट में बड़े सारे ऑप्शन आते हैं आपको आउट ऑफ सिक्सटी ट्वेंटी फाइव जो अटैम्प्ट करने हैं तो मोर देन फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन आपको वैसे भी नहीं आने चाहिए हमें तो सिर्फ ट्वेंटी फाइव निकालने ठीक है थीके? अगर कोई गेट या फिर जैम का एस्पिरेंट इसको देख रहा है ठीक है क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं लेकिन फिर भी हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड तो नहीं लाने ना समझ रहे हैं मेरी बात तो कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे फाइनल एग्जाम में भी नहीं आएंगे तो इनकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको सिर्फ ट्राई करना है कि जितना आपने पढ़ा है जो आप पढ़ के जा रहे हैं वो वाले कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉग हो जो भी वीकनेस है वीक एरियाज हैं उनको आप डेली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो गलतियाँ करोगे तभी समझ में आएगा ठीक है ये वाला वीक रहेगा इस थोड़ा सा और करना है जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करेंगे और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज़ करेंगे ठीक है तो ये वाली चीज़ माइंड में लेके चल लें कि टेस्ट सीरीज़ सिर्फ हमें अपने वीक पॉइंट्स बताने के लिए है मार्क्स से जज नहीं करना ठीक है तो सिर्फ इतना ही था आई होप अब ये वाली वीडियो देने के बाद देखने के बाद आप एक टेस्ट तो पकड़ देंगे ज़्यादा टेस्ट देना ठीक है जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा अपनी वीकनेस पता कर पाओगे और वही तो है अगर उनको इम्प्रूव कर गए एग्ज़ाम में अच्छी रैंक आएगी आएगी ठीक है अब लिए सिर्फ इतना ही है आई होप थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी और थोड़ा सा आइडिया मिला होगा क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है ठीक है अब लिए सिर्फ इतना ही अच्छे से पढ़िए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू प्रिपरेशन